हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिक टेक। इस वीडियो में बात करेंगे, आज मेरे पास दो दो एक्सिस बैंक के वेलकम किट है मेरे पास। तो दो दो कार्ड मुझे कैसे मिला है, दोनों कार्ड का क्या क्या यूज है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, और कार्ड आपको कैसे मिलेगा एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का, इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अनबॉक्सिंग किया था वेलकम किट का, वीडियो आपने नहीं देखा है वीडियो जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि मेरा एड ऑन कार्ड आया है मेरा प्रीजिस्टिंग कार्ड पे, मतलब जो पहले मेरा फ्री विलेज कार्ड था उसके बिहाफ में मुझे एक कार्ड मिला है। तो जो एड ऑन कार्ड भी था, प्राइम कार्ड दोनों मिला था। थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में हो गया था, तो दोनों कार्ड मेरा आने वाला था, एड ऑन कार्ड भी और प्राइम कार्ड भी। एड ऑन कार्ड जब भी मिलता है तो आपको सेम कार्ड पर मिलता है, ना कि अलग अलग कार्ड पर मिलता है। तो जैसे प्राइम कार्ड उसमें नहीं था अवेलेबल, जैसे फॉर्म में देख सकते हैं जो मैंने अनबॉक्सिंग किया उसमें लिखा हुआ था नॉट अवेलेबल, तो पहले ही एड ऑन कार्ड आ गया, प्राइम कार्ड बाद में आया। तो प्राइम कार्ड एड ऑन कार्ड बिल्कुल सेम होता है, जैसे आपका उसमें कोई लिमिट वगैरह अलग नहीं होता, सिर्फ कार्ड नंबर अलग होता है, लेकिन लिमिट जो होता है बिल्कुल सेम होता है। सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि दो लोग उसे यूज़ कर सकें, मीन्स अगर घर में दो आपके सिबलिंग हैं या ब्रदर्स हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमिट आपका एक ही होगा, लेकिन दो लोग उसे इस्तेमाल सिर्फ कर सकते हैं अलग अलग। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है इस कार्ड में, और कोई यूज इस कार्ड का नहीं, सिर्फ एड ऑन कार्ड का बेनिफिट्स ये है कि आपको अलग से इस्तेमाल इस कार्ड को दो लोग कर सकते हैं। जैसे प्राइम कार्ड में होता है कि आपके एक ही के पास एक कार्ड होता है, एड ऑन कार्ड आपके सिबलिंग्स या ब्रदर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कार्ड नंबर वगैरह अलग होता है, लेकिन कार्ड की लिमिट जो है एक ही होती है, एक ही लिमिट से दोनों अमाउंट घटेंगे। अगर वो परचेस करेंगे तो वो भी अमाउंट वहीं से घटेगा, और वो भी करेंगे तो वहीं से घटेगा। कार्ड का बिल डेट एंड बिल अमाउंट सब बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ कार्ड दो होते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सारा बातें बता दिया था, इसका बेनिफिट्स और फीचर्स के लिए आप ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा था, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फीचर्स और बेनिफिट डिटेल में जान ले। ऐसे हाईलाइट फीचर्स मैं बता दूं कि आपको अगर ज्वाइनिंग फी, जैसे ही आप इसका ज्वाइनिंग फी पे करेंगे तो आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट पे, तो जैसे ही ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 500 रुपये का वाउचर मिल जाएगा। और अदर वेबसाइट मिंत्रा है, अर्बन क्लैप है, गोआई बीबो है, मैकमी ट्रिप है, उस पर आपको 15% या 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आप जैसे ही आप कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं। और भी बेनिफिट्स दिए गए हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पे हमेशा आपको 5% का कैशबैक मिलता रहेगा, अगर ऑफर्स ना भी हो तब भी आपको अनलिमिटेड कैशबैक है, ना कि एक लिमिटेड अमाउंट में। अगर 10,000 का सामान खरीदते हैं 5% आपको कैशबैक मिल जाएगा, 500 रुपये अनलिमिटेड होगा, उसमें कोई लिमिट सेट नहीं होता। आप 1,00,000 का भी कर देंगे उसके हिसाब से आपको 5,000 का कैशबैक मिलेगा। तो इसमें इस कार्ड का मेन बेनिफिट्स यही है, इसलिए एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट ने इसे टाई अप कर अपना निकाला है और स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए हैं। ज़्यादा डिटेल में बेनिफिट्स जानने के लिए आप ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, और पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, अनबॉक्सिंग भी किया था, तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो से मेरा बताने का मकसद ये था कि दो दो कार्ड सिर्फ एड ऑन कार्ड मिले, जो कि प्राइम कार्ड होता है, एक एड ऑन कार्ड होता है, उसी के साथ मिलता है। आप भी अपना अप्लाई करेंगे, आपको इस नंबर पर कॉल करना है जैसा पिछले वीडियो में मैंने बता चुका था। आपको इस नंबर पर कस्टमर केयर से बात करके आपको बोलना है कि मुझे, अगर आपके पास पहले से कार्ड है एक्सिस बैंक का कोई भी, तो आप उसको अपना एक्सचेंज करा सकते हैं, अपग्रेड करवा सकते हैं, या फिर दूसरा कार्ड भी ले सकते हैं। तो मैंने अपग्रेड करवाया था, मीन्स पुराने कार्ड को मैंने बंद करवा कर ये न्यू कार्ड मैंने अप्लाई किया था। आप भी ये कर सकते हैं, अगर ऑफर आपके कार्ड पे होगा तो आपका कार्ड भी अपग्रेड होगा, आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं, 7 दिन के अंदर ये कार्ड डिलीवर हो जाता है। तो एड ऑन कार्ड का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं होता, एड ऑन कार्ड फ्री में आपको दिया जाता है, तो आप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइम कार्ड का जो भी चार्जेस होगा 500 रुपीज़ है, और 90 रुपये आपका GST लगेगा, तो वो आपका कटता है शुरू में। ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी भी वही है, अगर 1 साल हो जाता है कार्ड का तो फिर आपका रिन्यूअल करने की 590 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे, जो आपको पे करना पड़ेगा, बिल अमाउंट में ही एडजस्ट होकर आ जाता है। बात करें दोनों कार्ड को कैसे पहचानेंगे, आपका कौन सा प्राइम कार्ड है, कौन सा एड ऑन कार्ड, क्योंकि दोनों कार्ड बिल्कुल दिखने में बिल्कुल सेम होता है, जैसा देख सकते हैं दोनों कार्ड बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन कार्ड नंबर और CVV नंबर दोनों का अलग होता है, सिर्फ आपका नेम में डिफरेंस होता है। नेम ही नहीं कि प्राइम कार्ड होल्डर में प्राइम होल्डर का नेम होता है जिनके नाम से कार्ड इशू हुआ है, और जो एड ऑन कार्ड होता है वो आपके नॉमिनी के नाम से जनरेट होता है, उनमें नॉमिनी का नाम लिखा होता है कार्ड पे। तो जितना भी कार्ड एड ऑन लेते हैं आपको सारे नॉमिनी का डिटेल दिया जाता है, जो भी बैंक अकाउंट में आपने नॉमिनी डाला हो, या फिर कार्ड अप्लाई करते समय नॉमिनी का डिटेल भरा जाता है, पूछा जाता है, तो आप डालते हैं तो कार्ड पर नॉमिनी का ही डिटेल दिया रहता है। तो उस तरीके से आप पहचान सकते हैं कौन सा आपका एड ऑन कार्ड है, कौन सा आपका प्राइम कार्ड है, क्योंकि कार्ड दिखने में बिल्कुल सिमिलर होता है। पिन भी दोनों का अलग अलग होता है, पिन आपको बाई पोस्ट भेज दिया जाता है, जैसे मुझे भी भेज दिया गया, जैसे देख सकते हैं दो दो पिन मुझे आ गए हैं दोनों साथ में, तो दोनों का पिन वगैरह भी अलग होता है। ऐसे आप चाहें तो पिन अपना मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करके भी आप मोबाइल एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं सिर्फ प्राइम कार्ड का। एड ऑन कार्ड का सेट करने के लिए आपको ATM जाना पड़ेगा, तो ATM से जाकर वो सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस यही था, एक इन्फॉर्मेशन देना था, दो दो कार्ड क्या होते हैं, आप भी दो दो कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। मेरे चैनल पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन क्वारीज है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन है तो आप रिपीटेड कमेंट ना करें, क्योंकि रिपीटेड कमेंट करने से होता है कि आपका कमेंट जो है स्पैम में चला है। तो बहुत सारे आप कमेंट्स कर रहे थे कमेंट मैंने रिमूव कर दिया, मैं रिमूव नहीं करता, ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है अगर रिपीटेड कमेंट आप करते हैं कमेंट्स में तो ऑटोमेटिकली स्पैम में चला जाता है।
स्पैम वाला कमेंट हमको दिखता नहीं है, वही अकाउंट खोल के मुझे चेक करना पड़ता है कौन कौन सा स्पैम में है। तो मैं डेली चेक करता हूँ, एक महीने या फिर 2 महीने में चेक करता हूँ, दिखता है कि ये सब कमेंट स्पैम में। तो आप जब भी कमेंट करें तो एक कमेंट करें, रिपीटेड कमेंट बार बार ना करें, रिपीटेड करने से वो स्पैम में चला जाता है, जो कि कमेंट मुझे दिखता नहीं। और जो भी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। यहाँ पर मैंने आपको पोल दिया है, आप देखें कि आपको फ्लिपकार्ट कार्ड अच्छा लग रहा है या फिर आपको अमेजोन का भी कार्ड आया था वो कार्ड आपको अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पोल पर हिस्सा लेकर अपना रिव्यू दे सकते हैं, आपको आई बटन पर पोल मिल जाएगा, आप कौन सा कार्ड देना चाहते हैं। दोनों का मैंने बेनिफिट्स और फीचर्स भी बता रखे हैं, अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ये दोनों वीडियो जाकर देख सकते हैं। एक्सिस बैंक का भी बेनिफिट्स और फीचर कैसे अप्लाई करना है, और आपको अमेजोन का भी कार्ड आया हुआ है अमेजोन पे का, तो वो भी आप देख सकते हैं। पोल में आप अपना पोल में रिजल्ट अपना दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।